ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा स्वागत. चंडिका लेआउट येथील रहिवासी पुष्पा तुरकुर या कोराडी येथे दर्शनासाठी गेल्या असता अज्ञात आरोपींनी घरफोडी केली. पुष्पा तुरकुर यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. गस्ती दरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास करीत आहे. कंप्लेंट जो है पुष्पा तुरकुर यह कोराडी मंदिर में गए हुए थे दर्शन के लिए. रात भर मंदिर में थे और जब सवेरे घर पे आके देखे तो उनको उनके घर का लॉक टूटा दिखा. अंदर जाके जब उन्होंने देखे तो वहां का उनके जो सोने का सामान वगैरह रखा था सोना चांदी का वो चोरी हो चुका था. इस ऊपर से हमने फिर पुलिस स्टेशन में उनका कंप्लेंट दाखिल करके ऑफेंस रजिस्टर्ड किया. ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद जब हम घटनास्थल पे गए तो घटनास्थल हमने सर्च किया तो वहां पे जो सोने के धागे थे उनके वो उनकी दीवार के बाजू में हमें मिल गए थे. तो वो दागे तो मिल गए लेकिन चून चांदी और कुछ पैसे चोरी गए थे वो मुद्देमाल वैसे ही था. ऑफेंस तो रजिस्टर हो गया था. उसके बाद में हमने इसका समांतर तपास चालू किया. हमारी जो वाटोड़ा की डीबी टीम है वो इसका तपास कर रही थी. तो 6/11/2023 को जब ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे डीबी पार्टी तो उनको एक लड़का जो वहां पे संशयास्पद रीत्या घूम रहा था तो उसको ताबे में लेने के बाद में फिर उससे पूछताछ किया तो उसने कुछ जवाब सही नहीं दिए. उसको पुलिस स्टेशन में लाया गया फिर उससे और ज्यादा उसके ऊपर तपास किया गया. उसका क्राइम रिकॉर्ड हमने सर्च किया तो उसके ऊपर नंदनवन वाठोड़ा के भी कुछ गुने नंदनवन के गुने और जब ये विधि संघर्ष ग्रस्त था तो वो टाइम पे भी कुछ चोरी के और घरपुरी के गुने दाखिल थे.